हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एनिमेट में बताने जा रहा हूँ। फिल्म में गए कंट्रोल एन, एक न्यू शीट लेता हूँ। तो मैं जब न्यू शीट लेता हूँ तो मैंने किया एक्सेल स्क्रिप्ट 3.0, एक क्रिएट करता हूँ, एक नई शीट लेता हूँ इस तरीके से। तो ये पिछले वीडियो में मैंने टूल्स के बारे में बताया था। अब चलते हैं फाइल मेन्यू बार। मैं ये टूल्स कंप्लीट होने के बाद फिर आपको यहाँ कुछ इफेक्ट हैं प्रॉपर्टी में वो चीज़ बताऊँगा, और फिर आपको एनिमेशन करता हुआ दिखाऊँगा जिससे कि आप ये फ्रेम के बारे में समझ सकें। बीच में आपका ये टॉपिक आएगा तो जब मैं फ्रेम के बारे में आपको बताऊँगा। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है आपको, इस तरीके से समझ आ चुका है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं फाइल में जाके कंट्रोल एन, एक न्यू शीट के लिए। कंट्रोल एन एक आप न्यू शीट ले सकते हैं। न्यू फोल्ड टेम्पलेट जो इसके बने बनाए डिज़ाइन है वो आप इसमें है। फाइल में जाके न्यू फोल्ड टेम्पलेट अपने जो बने बनाए डिज़ाइन है आप इसमें देख सकते हैं। ओपन ओपन करने के लिए ओपन पे क्लिक करता हूँ तो ये शो कर रहा है एफ एल ए। एफ एल ए की फाइल शो करते हो, जैसे मतलब जो ओरिजिनल फाइल है फ्लैश की वो ओपन के थ्रू आप लेके आ सकते हैं। ब्राउजन ब्रिज इंटरनेट की फाइल से आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेके आ सकते हैं। ब्राउजन ब्रिज जैसे एनिमेट है, ऐसी ब्राउजन ब्रिज एक सॉफ्टवेयर है। आप वहाँ से आप एक एक करके कोई भी फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं, जो इंपोर्ट का हमारा काम है। इसके बाद कितनी फाइल खुली हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्लोज आप यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, जो हम यहाँ से शीट को क्लोज करते हैं। फाइल में जाके क्लोजोल, अगर एक से ज़्यादा सीट हैं तो एक साथ क्लोज कर सकते हैं। सेव सेव करने के लिए सेव एस, मतलब एक नया नाम देने के लिए आप सेव कर सकते हैं। तो जब मैंने सेव एस पे क्लिक किया तो ये शो करता है एफ एल ए फाइल, एक रेड कलर की जो फाइल है इस तरीके से आ जाएगी। जैसे मैं करके दिखाता हूँ, आपने यहाँ कोई भी नाम लिया तो मैंने किया है डेस्कटॉप पे क्लिक, आपने कोई भी नाम दिया तो मैंने किया आई एन डी ई एक्स इंडेक्स, मैं ओके करता हूँ। आपने यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, जैसे ऑब्जेक्ट लेता हूँ, मैंने किया यहाँ फाइल में जाके सेव, कि उसी नाम पे सेव हो। तो जब मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो ये इस तरीके से एफ एल ए फाइल शो कर देता है। अभी मैंने इसमें कोई एनिमेशन नहीं दिया। जब मैं यहाँ इसमें करता हूँ F7, मैंने कोई नया ऑब्जेक्ट बनाया इस तरीके से, मैंने किया कंट्रोल एस सेव। आप इसमें करते हैं कंट्रोल एंटर तो एस डब्ल्यू फाइल जो है वो ऑटोमेटिक बन जाती है डेस्कटॉप पे। तो मैं दिखा रहा हूँ आपका, ये एस डब्ल्यू फाइल है, ये ऑटोमेटिक बन चुकी है आपकी। तो ये एफ एल ए फाइल थी, ये आपकी इंडेक्स एस डब्ल्यू फाइल है आपकी। तो आप इसमें कोई भी एनिमेशन देख सकते हैं। तो फाइल में जाके ये था मेरा सेव एस, आप यहाँ से एफ एल ए फाइल सेव कर सकते हैं। इसके बाद है सेव ए टेम्पलेट, जो चीज़ सेव करोगे वो न्यू फोल्ड टेम्पलेट में सेव होकर आ जाएगी। नाम दे सकते हैं और सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से सेव करोगे आप ये न्यू फोल्ड टेम्पलेट में फाइल ओपन करके ला सकते हैं। सेव ऑल, अगर एक से ज़्यादा आपकी सीट हैं आप एक साथ उनको कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने किया इंडेक्स, तो वहाँ शो करेगा इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इस तरीके से आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो जैसे फाइल मेरी पहले से सेव है, अब मैं इसमें कुछ काम करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ इस तरीके से कुछ काम किया, ये मेरा काम गलत हो गया है, अंडू काम नहीं कर रहा है। तो फाइल में जाके रिवर्ट, जितना मैटर सेव है उतना वापस आप लेके आ सकते हैं। जैसे मैंने रिवर्ट पे क्लिक किया, ओके करता हूँ, तो जितना मैटर सेव है उतना वापस आ जाएगा। तो ये जब भी शो करेगा जब आपका ऑब्जेक्ट सेव होगा। अगर आप एक न्यू शीट लेते हैं तो उसको आपको सेव करना पड़ेगा, जब भी रिवर्ट काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो रिवर्ट का काम है जितना मैटर सेव है उतना वापस जाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।